उत्तरी इसराइल लगातार हिजबुल्ला के हमलों से दहल रहा है। एक बार फिर लेबनान से खतरनाक रॉकेटों ने इजरायली बेस को धमाकों से हिला डाला। एक बार फिर इसकी भयानक तस्वीर देखने को मिली। लेबनान की ओर से बीते दिन कई ऑपरेशनों को अंजाम दिया गया। हिजबुल्ला लड़ाकों ने खैबर सीरीज के ऑपरेशन चलाकर 3 लंबी दूरी के हमले किए। इसमें से पहले ऑपरेशन में हाइफा के कब्जे वाले शहर में स्टेला मैरिस नेवल बेस पर सटीक गाइडेड रॉकेटों की बौछार की। इस हफ्ते बेस पर लगभग रोजाना लंबी दूरी के हिजबुल्ला हमले हुए हैं। नेवल बेस में उच्च तकनीक वाले हार्डवेयर हैं जिनका इस्तेमाल उत्तर की ओर समुद्री गतिविधियों की निगरानी और पहचान करने के लिए किया जाता है। साथ ही लंबी दूरी के हमले से रमत डेविड एयर बेस को निशाना बनाया गया, जो लेबनान के खिलाफ इजरायली वायुसेना की ऑपरेशन गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा है। लड़ाकों ने एयरबेस को निशाना बनाने के लिए सटीक गाइडेड रॉकेट का भी इस्तेमाल किया। हिजबुल्ला ने गाइडेड रॉकेटों की बौछार से दक्षिणी तेल अवीव में तेल नोफ एयरबेस पर लंबी दूरी का हमला किया। सीमा पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने हमलावर इजरायली सैनिकों का सामना करने के लिए कई तरह के हथियारों और तरीकों का इस्तेमाल किया। लड़ाकों ने दक्षिणी ओडेहेस के खुले में तैनात इजरायली कब्जे वाले बलों पर तोपखाने के गोले दागे। सैन्य मीडिया ने कहा कि हमले में दुश्मन सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि हुई है। हिजबुल्ला ने इजरायली सैन्य ग्रेट बुलडोजर पर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी, इससे बख्तरबंद वाहन तबाह हो गया। समूह ने दावा किया कि कई इजरायली सैनिक इस दौरान मारे गए, जबकि उससे भी ज्यादा घायल हो गए। सैन्य मीडिया इकाई ने खुलासा किया कि एक बुलडोजर इजरायली पैदल सेना को स्कॉट कर रहा था, जो ATGM हमले से हताहत हो गया था। बताया जाता है कि इजरायली बल उत्तर पश्चिम केफर किला में एक पहाड़ की चोटी पर तैनात थे। वहीं मारून अल रूस में हिजबुल्ला की मानव रहित वायु सेना ने शहर के पूर्वी भाग में तैनात इजरायली बलों पर 2 एकतरफा हमला करने वाले ड्रोन लॉन्च किए। इसके अलावा हिजबुल्ला लड़ाकों ने कफर किला में एक इजरायली सैनिकों के वाहन पर ATGM फायर किया। इस बार के हमले ने एक इजरायली बख्तरबंद कार्मिक वाहन को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया, जिससे उसके चालक दल के सदस्य मारे गए और घायल हो गए। लड़ाकों ने सीमा के पास केरेट शमन शहर की बस्ती पर रॉकेटों की बौछार की। मिसगांव एम बस्ती में इजरायली बलों की एक साइट पर रॉकेटों की बौछार की गई। मार्गरिलियट बस्ती में इजरायली सैनिकों की एक साइट पर रॉकेटों से हमला किया गया। मनारा बस्ती में इजरायली टुकड़ियों पर रॉकेटों से धावा बोला गया। करमील शहर की बस्ती में इजरायली पैराट्रूपर्स की मेजबानी करने वाले एक इजरायली बेस पर रॉकेटों की एक बड़ी बौछार की गई। हिजबुल्ला लड़ाकों की ओर से आए दिन हमलों से इसके दायरे को कोई गुना विनाश की ओर ढकेलने का काम किया है। हिजबुल्ला लड़ाके बेहद आक्रामक तरीके से इजरायली बलों पर हमलावर है।